हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैसा लैपटेक हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में लाया हूँ गूगल मैप। तो गूगल मैप को किस तरीके से यूज करें, ये सारा पूरा मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए सबसे पहले नए वीडियोज देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आप कहीं घूमने जाते हैं या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं और आप रास्ता भूल गए हैं और आपको पता ही नहीं कि किस तरफ जाए, लेफ्ट जाए या राइट जाए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूँ। तो इस ऐप को यूज करने से पहले आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए और उस मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि गूगल मैप को चलाने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए आपके एंड्रॉयड मोबाइल में इंटरनेट होना ज़रूरी है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम गूगल मैप को यूज करें। तो सबसे पहले आपको एंड्रॉयड मोबाइल के मेनू में जाना है और वो जाने के बाद वहाँ पर आपको मैप देख लेना है, मैप ऐप कहाँ पे है। तो मैप ऐप देखने के बाद आप उसे ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद यहाँ पर वो खुद ही आपका लोकेशन सर्च कर लेगा कि आप कहाँ पर हैं। ये लोकेशन सर्च कर लिया है मैं अपने कि मैं कहाँ हूँ अभी। अगर आप कहीं जा रहे हैं और अगर आप रास्ता भूल गए हैं तो अगर आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुँचना है तो आपको नीचे दिख रहा है गो वाला आइकॉन, उस पर क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है योर लोकेशन। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आप भूल गए हैं और वहाँ पर इंटरनेट आपके मोबाइल में अवेलेबल है तो इस ऐप को आप यूज कर सकते हैं। तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है योर लोकेशन, ये ऑटोमेटिक आपका लोकेशन यूज कर आपका लोकेशन यहाँ पर ढूंढ लेगा। आपको सिर्फ सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको जाना कहाँ है, जैसे कि जाना है मुझे यहाँ से मुंबई, ये यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है फाइंडिंग बेस्ट रूट, ये मेरे लोकेशन से दिखा दिया है कि मुंबई का रास्ता कितने घंटे में तय होगा बाइक से। तो 11:53 में ये तय हो जाएगा बाइक से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 594 किलोमीटर, तो 594 किलोमीटर यहाँ से है। अगर मैं स्टार्ट पर क्लिक कर दूंगा, जब आप कार में हो या बाइक पर हो तो ये स्टार्ट वाला मोड अगर आप ओपन कर दोगे तो ऑटोमेटिक ही ये इस तरीके से चलना शुरू कर देगा इस तरीके से। तो ये हमारा था ये बाइक से जाने वाला प्रोसेस। अगर आप जाएंगे फोर व्हीलर से तो फोर व्हीलर से आप देख सकते हैं यहाँ पे वो 13 आवर लिखा है, 13 आवर्स। तो यहाँ पर आपको अगर फोर व्हीलर से जाएंगे तो 13 घंटा लग जाएगा, यहाँ से बाइक से जाएंगे तो 12 घंटा लग जाएगा, ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन से, तो फिलहाल में मैं जहाँ पर हूँ ये लोकेशन से ट्रेन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से 80 किलोमीटर मुझे जाना है खंडवा, खंडवा से मेरी ट्रेन वहाँ से अवेलेबल है। अगर मैं लोकेशन पर खंडवा डाल देता हूँ तो मुझे यहाँ से ट्रेन मिल जाएगी, आपको वो भी दिखा देता हूँ। खंडवा, ये मेरे लोकेशन पे मैंने खंडवा डाल दिया हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये खंडवा से लोकेशन आ गया है। तो खंडवा से 8:52 लगेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेन का टाइम भी, यहाँ पर 10:30 पे ट्रेन अवेलेबल है पुष्पक एक्सप्रेस। यहाँ पे सभी ट्रेनों के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी। अगर आप है ना जाते हैं पैदल वॉक करके तो यहाँ से देख सकते हैं आप, लास्ट वाला ऑप्शन है 5 डेज, तो कहाँ कहाँ से आप जा सकते हैं वो पूरा रूट बाय रूट ये मैप में आपको दिख जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से आप मैप से देख लीजिए कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। अगर आप पैदल जाएंगे 4 दिन 16 घंटा आपको लग जाएगा और 555 किलोमीटर ये डेस्टिनेशन भी, डेस्टिनेशन किलोमीटर क्या है वो भी यहाँ पे दिखा देगा। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं और देखते रहिए एपटेक हिंदी चैनल सबसे पहले नए वीडियोज़ देखने के लिए।